डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गुरुवार को फिरोजाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने आपदा पीड़ित मुलाकात की और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई। मीडिया से मिले और कहा सरकार के आपदा पीड़ित संवेदनशील आज आगरा मथुरा फिरोजाबाद सहायता के लिए बांटी गई है, इसके बाद ही अलीगढ़ की सहायता बांटी जाएगी। उन्होंने कहा है जिला प्रशासन और स्थानीय जन प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, पीड़ित की मदद में कोई भी कमी करती जाएगी। इलाहाबाद के वकील की हत्या के मामले में बोले सरकार अपराध को खत्म करना चाहिए, इलाहाबाद में जो घटनाएं हुई हैं दोषियों को सख्त कार्रवाई देनी चाहिए। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के फिरोजाबाद से संजीव वर्मा की रिपोर्ट। पीड़ितों को जहां हमने सहायता दी है, वहीं भविष्य में किसी प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने के समुचित निर्देश भी दिए गए हैं कि यदि मौसम का की कोई वार्निंग मिलती है और या किसी प्रकार की कोई सूचना आती है तो पहले पीड़ित पक्ष को राहत। अब ये पहले की तरह नहीं है कि महीनों भटकते हुए जाए पीड़ित पक्ष और अपने पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र दे, अपने पिता के, अपने भाई और बहन के अकाल मृत्यु का वो ब्यौरा दे और विलाप करे और उसके बाद भी महीनों उसको ना मिले और मिले भी तो आधा तिहाई से मिले, इस प्रकार की शिकायतें आती रही हैं पहले पूर्व वर्षों में, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर कि किसी भी प्रकार की घटना घटती है तो जिला प्रशासन के लोग पहुंचे और पहुंचने के बाद उनको तत्काल राहत पहुंचाएं उनके अकाउंट में या उनको चेक के द्वारा दें जिससे वो लाभान्वित हो सकें।